to Gyanjyoti online classes. Student, in this video we will do chapter number 2 exercises. Okay, so in this chapter we will do the subjective type questions and objective type of questions. Okay, so let's start oral questions. What are biotic components and abiotic components? Okay, what are abiotic components and biotic components? So student, biotic components that include animals, plants and microbes. Okay, and abiotic components, soil, temperature, light, air, water. Okay, so what is the difference between the biotic and abiotic components? Okay, so you have to say, you can say that the biotic components, what is biotic components? So the organism like plants, animals and microbes that make up the living part of an ecosystem are called biotic components. Okay, and non-living things such as soil, water, temperature and sunlight found in an ecosystem, okay, so are called abiotic components. Okay, second oral question, what process is called photosynthesis? What process is called photosynthesis? So student, the process of preparing food is called photosynthesis, in case of especially leaf, okay, plant, in case of especially plant leaf. Okay, student, and now we are going to, our photosynthesis process also. Photosynthesis means that harnessing the energy of this sun by plants to make food. Okay, and so now we are going to objective type of questions. Take the correct answer. Student, first, number one, living and non-living things around us form. Okay, so living or non-living kya banate hain? And ecosystem banate hain. First, take the correct answer. A number one. Correct. एनिमल्स गिव आउट, ओके, रेस्पिरेशन में एनिमल्स के कौन सा गैस आता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो यू कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर थ्री, फूड चेन इज ए डेक ऑफ लाइफ. ओके, दैट कॉम्प्लेक्स बैलेंस. ओके, फूड चेन दैट कॉम्प्लेक्स balance. You can write complex balance. Okay, number B, fill in the blank. Okay, number B. Okay, so number B आ रही है, और number B में क्या है? Fill in the blanks. First question, this is the ultimate source of energy. Okay, this is the ultimate source of energy. कौन सा source sun जो है source of energy? ठीक है, energy का source है sun. तो sun का जो है वो अल्टीमेट सोर्स, मतलब कभी खत्म नहीं हो सकता. और नंबर टू, ऑल द पार्ट्स ऑफ
decks are dependent upon each other. कौन सा पार्ट से of plants or animals? ठीक है, क्योंकि दोनों जो पार्ट है वो डिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, सो वी कैन राइट प्लांट्स एंड एनिमल्स. नंबर थ्री, डेक्स इज ए चैन ऑफ ईटिंग एंड ईटिंग बींग ईटन. ओके, सो डेक्स इज ए चैन ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन. ओके, फूड चैन. नंबर आंसर फूड चैन. नंबर फोर, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर डेक्स. ठीक है, तो वो प्लांट क्या करते हैं, जो कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व रहेंगे तो उसको किससे देते हैं, दे आर रूम. नंबर थ्री, ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड डेक्स. एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर, तो जितने भी एनिमल्स है वो कंज्यूमर होंगे. कंज्यूमर, इसको नोट कर लो. ठीक है, नंबर बी. अब आते हैं नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ओके, नंबर वन, सोइल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स. ओके, सोइल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो प्लांट्स हैं. यस, ट्रू होगा नंबर वन, ट्रू. सी नंबर थ्री. नंबर टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. इनहेल करते हैं मतलब लेते हैं, इनहेल एक्सहेल छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन इनहेल करते हैं. रॉन्ग, फॉल्स. नंबर थ्री, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म ए फैमिली. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो बनाते हैं वो इकोसिस्टम बनाते हैं, फैमिली नहीं बनाते. ठीक है, फॉल्स. नंबर फोर, लीव आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. खाना जिसमें बनता है प्लांट का तो वो फूड किसके होगा, लीव ही होगा. ठीक है, लीव फूड फैक्ट्री भी कहा जा सकता है. ठीक है, नंबर फिफ्थ, मेडिसिन रबर्स रेजिन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. ओके, तो ये जो हम पाते हैं मेडिसिन रबर, सर हम प्लांट्स ही पाते हैं. ट्रू. ओके, मेज, मेज भी खाते हैं. ठीक है, मेज भी फॉलोइंग नंबर डी. नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. ये पहले देखो लीव, और ऑप्शन है यहाँ कार्निवोर्स, लीच, डिसान, फूड फैक्ट्री, वल्चर. कौन सा होगा, कैन यू टेल मी, तो इसका आंसर होगा फूड फैक्ट्री. लीव जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री है. ठीक है, तो नंबर पर देना इसमें नंबर आई आएगा, आई आई डी और ये होगा फूड फैक्ट्री. फूड फैक्ट्री नंबर टू, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, सन. दी सन नंबर थ्री. सन नंबर थ्री का देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन सा होगा, कार्निवोर्स. ठीक है, कार्निवोर्स नंबर वन का है, तो हम कार्निवोर्स में ये मैच करेंगे. कार्निवोर्स नंबर फोर, स्केवेंजर्स जो कि डेड और डेड बॉडी को खाता है, तो वो होगा स्केवेंजर्स. कौन है, यहाँ ऑप्शन है इसका नंबर फिफ्थ, वल्चर. नंबर फिफ्थ, पैरासाइट. पैरासाइट जो होते हैं होस्ट बॉडी में रहते हैं. ठीक है, और पैरासाइट कौन सा है, लीच. लीच जो होते हैं वो दूसरे की बॉडी में
क्या कहते हैं, ब्लड इसको सोक करते हैं, लीच। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इकोसिस्टम? ठीक है, इकोसिस्टम की मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, इकोसिस्टम किसे बना है? इकोसिस्टम द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है? इसमें लिविंग रहेगा और नॉन लिविंग रहेगा। क्या रहेगा? थिंग्स, जैसे कि लिविंग में आएगा जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। नॉन लिविंग में आएगा हीट, उसमें टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग होगा। ठीक है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, सो प्लांट्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को यूज करता है और अपना खाना बनाता है। ठीक है, नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर जो उसको डिपेंड करते हैं, उसको खाते हैं कंज्यूमर। सो यू कैन राइट, आप लोग लिख सकते हो उसको, द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। ओके, एंड एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, दे कॉल कंज्यूमर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना खाना खुद बनाता है, दे मेक देयर ओन फूड, एंड The consumer that depend on producer और their food, उसके खाने के लिए वो depend होते हैं किसे? Producer पे, कौन? Consumer। ठीक है, नंबर फोर, हाउ डू scavenger help to keep the environment clean? Scavenger जो होते हैं environment को कैसे clean करते हैं? So you can write animals like vulture, jackal, crows, etc. That eat flesh of dead animals. Scavenger help to keep the environment clean. Means देखो, जो animals से जो environment को clean करते हैं, अगर dead body पड़ा रहेगा तो वो microbes से उसको decompose करेगी। जो ये जो है vulture, ठीक है, और jackal और crows, ये क्या करेंगे कि उनको खा जाते हैं, इसको dead body को एनिमल्स का। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्वायरमेंटल क्लीन होता है। तो हम लिख सकते हैं स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, नंबर एट, व्हाट इज फूड चेन? ठीक है, फूड चेन क्या है? फूड चेन, तो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड कैन बी क्लियरली सीन थ्रू फूड चेन। प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, किस लिए? कि उसके न्यूट्रिशन, फूड के लिए। ठीक है, तो वही फूड चेन होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर टू का एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर थ्री को करेंगे। थैंक यू।